नूडल्स मिनी फैन फूड चैलेंज। विराटनगर नाम के गांव में प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति लड़की देखने के लिए आया था। उस गांव में उसका एक दोस्त था, नाम था चौटाला। जब वो विराटनगर पहुंचा तो उसके दोस्त चौटाला के साथ साथ बाकी गांव वाले भी बोरे बिस्तरा बांध कर गाँव छोड़ कर जा रहे थे। ये देख कर प्रताप सिंह, क्या हुआ यार, ये सारे के सारा गाँव वाले गाँव छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे गाँव में अकाल पड़ गया है क्या, या फिर कोई भूत है? अरे यार, हमारे गांव में विचित्र सिंह नाम का एक व्यक्ति है। वो बड़े विचित्र शर्तें लगाता है। जो शर्त हार जाते हैं उनसे पैसे वसूल किए बिना वो नहीं छोड़ता। यूं हम उससे सब कुछ हार कर यहाँ सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। अरे वो क्या शर्त है मुझे बताओ, मैं शर्त जीत कर विचित्र सिंह को हरा कर उसे गाँव से भगा दूंगा। पहले लड़की देखने आया हूँ, वो काम निपटा लें। तब चौटाला अपने साथ ही बोरिया बिस्तरा बांध कर सिर पर लेकर जा रहे एक परिवार को दिखाते हुए, वो देख वही लड़की है जिसे देखने तू आया है। वो लड़की भी तेरी ही तरह हिम्मत वाली है, उसे हरा कर आती हूँ कहकर वो गई थी। फिर क्या, मुंह की खाकर ये देखो गांव छोड़कर जा रही है। उससे जीतना तो हथेली में पानी भरने वाली बात है, वो इतना आसान नहीं है। हार जाओगे उससे और उसके शर्त से तेरा क्या लेना देना यार। लड़की देखने आए हो, लड़की वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं, तू भी चल। यार चौटाला, पहले मुझे उसके पास ले चलो, मैं देखता हूँ कि वो कितना होशियार है। तब चौटाला प्रताप सिंह को लेकर विचित्र सिंह के पास गया। विचित्र सिंह यूं सबको गाते हुए देखकर, हे विराट नगर वासियों, ये क्या आप सब यूं मिलकर मेरे पास क्यों चले आए? अब भी आप लोग मुझसे शर्त लगाकर जीतने की उम्मीद रखते हैं क्या? मेरे शर्त जीतने वाला साहसी अब भी इस गांव में बाकी है क्या? यूं सब कुछ लुटाकर खड़े तुम लोगों को देखकर बड़ा मजा आ रहा है। अब भी तुम में कोई तीस मार खान बचा है तो आओ शर्त लगाओ, यही मेरा सबको ओपन चैलेंज है। तब भीड़ में से प्रताप सिंह, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी जुबान के पक्के हो और अगर मैं शर्त जीत गया तो इस पैलेस के साथ साथ सारे गांव वालों को उनकी संपत्ति लौटानी होगी, बोलो मंजूर है? अरे ये कार्टून नमूना कौन है, लगता है कि बेचारे को मेरे बारे में और मेरे शर्त के बारे में नहीं पता। अरे उसे कोई समझाओ, वैसे सब कुछ लौटाना हो तो पहले तुम्हें शर्त जीतना होगा ना। जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी शर्त ही वैसी है। जो मेरे 3 कप गर्मा गर्म नूडल्स खा लेगा उसे मैं अपना पैलेस दे दूंगा। पर कमबख्त कोई जीतता ही नहीं, क्योंकि पहले कप खाने की कोशिश में ही मुंह जलाकर चेहरा जलाकर कपड़ों के ऊपर गिराकर रह जाते हैं। इतना कहने के बाद भी अगर तुम में हिम्मत है तो चलो शर्त लगाते हैं। मंजूर है, कल ही होगा, वो भी गाँव वालों के समक्ष में। मुझे मंजूर है, लोगों के समक्ष में ही होने दो, वैसे भी लोग बहुत दुखी हैं, तुम्हें हारते हुए देखकर उनका भी मन बहल जाएगा। गांव वाले प्रताप सिंह से, बेटा तुम क्यों उससे पंगे ले रहे हो, वो धोखेबाज है, तुम उससे क्यों भिड़ रहे हो, तुम भी हमारी तरह सब कुछ गंवा दोगे, कहकर उसे रोका। चिंता ना करें, मुझ पर भरोसा कीजिए, हम सबका भला होगा, कहकर अगले दिन शर्त के लिए तैयार हुआ। प्रताप सिंह के सामने 3 कप गर्मा गर्म नूडल्स रखा गया, उनमें से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर प्रताप सिंह, मैं इसे मेरे खुद के बनाए हुए चम्मच से खाऊंगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कोशिश कर लो। कहते ही प्रताप सिंह ने अपने जेब से चॉपस्टिक्स निकाला, उसके साथ एक बैटरी लगा हुआ था जो एक मिनी पंखे के साथ जुड़ा हुआ था। वो पंखा बैटरी की मदद से घूम रहा था, उस पंखे की हवा से नूडल्स ठंडे होने लगे। इस तरह प्रताप सिंह वो सारा नूडल्स आराम से खा गया। ये देखकर गांव वाले, वाह प्रताप सिंह बहुत बढ़िया, ये धोखेबाज विचित्र सिंह तुम्हारे हाथों शर्त हार गया है। हार गया शर्त कमबख्त, अपना प्रताप सिंह जीत गया, अब अपने खेत खलिहान सब अपना ही है। यूं शर्त हार कर विचित्र सिंह पैलेस खेत सब कुछ छोड़कर गांव छोड़कर चला गया। प्रताप सिंह उस गांव की लड़की से शादी करके खुशी खुशी गांव के पैलेस में रहने लगा। ट्रैक्टर मोबाइल टावर। बिंदास कंपनी का मालिक सुनील ने योयो नाम का एक मोबाइल कंपनी शुरू किया। मेरे कंपनी का मोबाइल लीजिए, सिग्नल की कोई परेशानी नहीं होगी, एक क्षण भी गंवाए बिना आप अपने बंधु मित्रों के साथ बात कर सकते हैं, ऐसे कैप्शन के साथ प्रचार शुरू किया। इस तरह देश भर में लोग उस मोबाइल कंपनी का कनेक्शन लेने लगे।
एक दिन वो ऑफिस में मीटिंग में था कि उसके गांव से उसके दादाजी सोल्यूशन सुंदर ने फोन किया, बेटा सुनील तूने लोगों को वादा किया था कि तेरे योयो मोबाइल से सिग्नल की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, पर तेरे दादा के फोन में ही सिग्नल का प्रॉब्लम है बेटा। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि ये योयो का ही सिम है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, कल सवेरे तक मेरे मोबाइल में सिग्नल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद मीडिया के सामने जाकर मेरे पोते के कंपनी में सिग्नल की प्रॉब्लम है उसका सिम इस्तेमाल ना करें कहकर स्टेटमेंट दूंगा, आगे तेरी मर्जी, कहकर उसे चेतावनी दी। ये सुनकर सुनील हड़बड़ा गया, मीटिंग को कैंसिल करके अपने कोर टीम को बुलाकर उनको समस्या बताया। देखो मेरे दादाजी सोल्यूशन सुंदर के मोबाइल में सिग्नल प्रॉब्लम है, कल सवेरे तक उसको सॉल्व नहीं किया तो समझो अपनी कंपनी डूब जाएगी, फिर आप लोगों की नौकरी का जिम्मेदार मैं नहीं। तब प्रताप अग्रवाल नाम का सीनियर एग्जीक्यूटिव, सर हमने उस गांव में एक जगह सिग्नल टावर रखा था पर वहां बंदर टावर पर चढ़कर कूदते रहते हैं सर, इसलिए हर बार उस टावर का रिपेयर करना पड़ता है, इसीलिए वहां सिग्नल प्रॉब्लम है सर। तो फिर क्या किया जाए, अब बंदर पकड़ने वाले को भेज दें वहां पे? आई नीड सॉल्यूशंस मैन, आप लोगों के पास आइडिया नहीं है तो आप लोग हट जाओ, जो एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आएगा उसे ही मैं ये काम सौंपूंगा। सर एक डाउट है सर, आपके दादाजी हर रोज सवेरे वॉकिंग करते हैं और गांव के बाहर भी चले जाते हैं सर, अब गांव के बाहर सिग्नल कहां होता है सर, वो तो एक जगह टिकते नहीं और हर जगह सिग्नल्स मिलना मुश्किल है ना सर, वैसे भी बूढ़ा हो चले हैं सर, एक जगह बैठकर राम नाम जपने के बजाय वो ये सब क्यों करते हैं सर। तब सुनील ने उसे घूरकर देखा, भैया वो एक फ्रीडम फाइटर हैं, गांव में नल काम ना करे तो म्युनिसिपैलिटी को फोन करते हैं, गली में कुत्ता दिखे तो ब्लू क्रॉस को फोन करते हैं, किसी को खून की जरूरत हो तो रेड क्रॉस को फोन लगाते हैं, यूं जब तक वो समस्या का सोल्यूशन ना निकाले वो चैन से सो भी नहीं पाते, इसलिए सब उनको सोल्यूशन सुंदर कह के ही बुलाते हैं, अब अगर उनका ये सिग्नल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो हमें चीर के रख देंगे, समझा करो यार। तुम लोग ये ना सोचो कि अपने कंपनी का बॉस एक बूढ़े से इतना क्यों डर रहा है, अपने कंपनी का 70% शेयर्स उनके नाम ही है। सो प्रताप वी नीड सॉल्यूशन। तब सब सिर खुजाते हुए सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगे, जो बढ़िया आइडिया देगा उसे साउथ इंडिया ऑपरेशंस का चीफ बना दूंगा। तब प्रताप को लगा कि मानो किसी ने उसके सीने में भारी सा पत्थर रख दिया हो। बाकी सबको ये सुझाव अच्छा लगा पर उनके दिमाग में कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उनके जूनियर एक लड़की अनुष्का, सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है पर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है सर, ऐसा है कि अगर हम एक ट्रैक्टर पर सिग्नल टावर को लगाकर उसे उनके पीछे पीछे जाने दे तो कोई समस्या नहीं होगी सर। ये सुनकर सुनील, वाओ वंडरफुल अद्भुत, पहले वो कीजिए, इस लड़की को साउथ इंडियन चीफ अपॉइंट कीजिए। इस तरह अनुष्का को वो पोस्ट मिला तो सीनियर प्रताप अग्रवाल को बहुत गुस्सा आया, अरे ये क्या, इसे आए जुमे जुमे 4 दिन नहीं हुए और अभी से ये मेरी नौकरी खा गई, किसी तरह उस लड़की को उस पोस्ट से हटाना होगा, उसके लिए योजना बनाता हूँ। ऐसा सोचा गाँव में सोल्यूशन सुंदर के घूमने के इलाके में ट्रैक्टर मोबाइल टावर का प्रबंध किया गया, वो ट्रैक्टर उनके पीछे पीछे जाने लगा। दादाजी वॉकिंग करते हुए गांव के बाहर गए तभी उनका फोन बजा, दादाजी ने फोन उठाया, दादाजी हाउ इज द फोन सिग्नल नाउ? बेटा वंडरफुल सिग्नल है, तुमने साबित कर दिया कि तुम सोल्यूशन सुंदर के पोते हो, तुमने क्या जादू किया? अनुष्का नाम का जादू चलाया दादाजी, बढ़िया काम कर रहा है, एक बार आप पीछे मुड़कर देखिए तो सही। कहते ही दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा, उनके पीछे थोड़ी दूरी पर ट्रैक्टर मोबाइल टावर आ रहा था। ये आइडिया बढ़िया है बेटे, जरा रुको मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मुझे अभी अभी एक प्रॉब्लम नजर आया उसे सॉल्व करना है, कहकर फोन काटा। देखा तो प्रताप अग्रवाल ट्रैक्टर के पिछले पहिए का पंक्चर कर रहा था, ट्रैक्टर चल नहीं पाया। उसे देखकर सोल्यूशन सुंदर ने पोते को फिर से फोन किया, बेटा सुनील तुम्हारा ट्रैक्टर मोबाइल टावर रुक गया है, उसका टायर पंक्चर हो गया है बेटा, तुम्हारे कंपनी में पंक्चर करने वाले हैं, होशियार मैं आगे जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा कंपनी भी आगे बढ़े, मेरा सिग्नल कट हुआ तो फिर देख लो, तुम्हारी खैर नहीं, कहकर वो आगे जाने लगा। सुनील परेशान हो गया, क्या करें ये समझ ना पाकर अपने टीम को फिर से बुलाया, अरे भाई क्या करें ट्रैक्टर पंक्चर हो गया है, दादाजी आगे जा रहे हैं, अगर सिग्नल कट हुआ तो समझो हम गए काम से, अरे प्लीज कुछ करो। सर आप चिंता ना करें, आपके दादाजी से कहिए कि सामने देखे वहाँ एक और ट्रैक्टर मोबाइल टावर आ रहा है। इतना ही नहीं सर, पहले ट्रैक्टर पर जो एक रिमोट कैमरा लगाया था उसमें हमारे सीनियर प्रताप अग्रवाल जी ट्रैक्टर को पंक्चर करते हुए नजर आते हैं।
तब सुनील गुस्से से, उसे तुरंत कंपनी से निकाल दो, यूं टेम्परेरी सोल्यूशन से कोई काम नहीं चलेगा, कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो। यस सर, हमने ढूंढ लिया है सर। मैंने पता किया कि आपके दादाजी क्यों गांव भर में सिग्नल की मांग कर रहे हैं। ये महामारी के कारण बच्चों के स्कूल बंद हो गए, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सिग्नल ठीक से ना आने के कारण बच्चे पेड़ पर, छत पर, टीले पर, खंबे पर चढ़ रहे हैं सर। इसके कारण कोई हादसा ना हो, इसलिए उन्होंने आपसे एक सॉल्यूशन के लिए पूछा सर। या आई नो माई दादाजी, ही इज रियली स्मार्ट, हिज एक्शंस आर थॉट प्रोवोकिंग। सिर्फ हमारे गांव में नहीं, देश भर में क्लियर सिग्नल्स हो, ऐसा प्रबंध कीजिए। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, क्या तुम घर पर मेरी बॉस बनोगी? मुझसे शादी करोगी? कहकर अनुष्का को प्रपोज किया। अनुष्का ने हाँ कहकर सिर हिलाया। दोनों की शादी हुई, दोनों खुशी खुशी रहने लगे।